Hey guys, welcome to my channel Maths One. So कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, which is Pythagoras theorem. So आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो थ्योरम है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी विथ प्रूफ्स, एंड देन हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 का फुल सॉल्यूशन. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे के जो भी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर. अभी थ्योरम क्या है हम पहले वो देखते हैं. सो स्टेटमेंट इज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन टू ट्राइंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर. अभी कोई भी थ्योरम में हमें सबसे पहले समझना क्या है कि हमको गिवन क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है. ओके, सो सी यहाँ पे हमको क्या बोला है. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल. सो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अगर हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, ओके, कहाँ से, ये जो हाइपोटेनस है इसके अपोजिट वर्टेक्स से, हाइपोटेनस के ऊपर, इसको मैं नाम दे देती हूँ वर्टेक्स डी. तो इस वजह से दो ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल वन एंड दिस इज ट्राइंगल टू, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर रहेंगे. ये जो एंगल, ये जो ट्राइंगल रहेगा ये ओरिजिनल से, देन ये सेकेंड ट्राइंगल जो है वो भी ओरिजिनल से सिमिलर रहेगा, एंड प्लस ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे. तो ये हमको प्रूफ करना है. सो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. ओके, सो इस फिगर की हेल्प से हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे. अभी जो ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इसमें जो एंगल है ए बी सी, ओके, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेंगी 90. देन ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है ऑन ए सी. ओके, अभी हमको प्रूफ क्या करना है. सो टू प्रूफ, वॉट वी हैव टू प्रूफ, ये जो पहला एंगल है विच इज ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ये सिमिलर है किससे, ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी से. ओके, देन ये जो सेकेंड ट्राइंगल है बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ये सिमिलर है हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी से, एंड देन टू ईच अदर वाला पार्ट आए, यानी कि ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ये वाला सेकेंड ट्राइंगल से बी डी सी से सिमिलर है. तो ये हमको प्रूफ करना है. प्रूफ जो है इसका बहुत बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ठीक से यहाँ पे ध्यान देना है प्रूफ के लिए. सो फिगर को देखिए. अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहला हमारा स्टेटमेंट है इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी कि हमको पहले प्रूफ करेंगे ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, पहला ट्राइंगल ये ओरिजिनल के बराबर है. अब ये दोनों जो ट्राइंगल है, ओके, ये ओरिजिनल हमारा और ये फर्स्ट वाला, इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वर्टेक्स ए ए, ये वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल में सेम है, करेक्ट. तो यहाँ का जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में है कॉमन एंगल, सो एंगल डी ए बी इज कॉमन एंगल. सो ये सिमिलर है किसके, बी ए सी, ओके, एज कॉमन एंगल. अभी एक एंगल हमने बता दिया कॉमन, इसीलिए सिमिलर है. अब हमको ये इसमें और ओरिजिनल में एक और एंगल सिमिलर बताना पड़ेगा. तो हम बाय डबल ए प्रॉपर्टी से हमारे दोनों ट्राइंगल सेम आ जाएंगे. सो
नोट करो, अभी ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है इसमें एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है, बराबर ए बी सी हमने ड्रॉ किए, ये क्या है राइट एंगल। अब ए डी बी, इसमें ये हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे इसीलिए ये जो एंगल डी है ये क्या रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, दोनों का एंगल 90 डिग्री। सो एज बोथ आर बी डी ए एज बोथ राइट एंगल, करेक्ट। सो अब दो एंगल हमारे सेम आ गए, देयर फोर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए ए टेस्ट, करेक्ट। तो ये जो हमारा प्रूफ है वो यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली हमारा कॉमन एंगल दोनों में, बड़े वाले में और इसमें हमने बताया, और दोनों के पास में राइट एंगल है जो कि दोनों 90 डिग्री के है। तो दो एंगल सिमिलर आने की वजह से हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ए डी बी। सेम प्रॉपर्टी यानी कि बाय ए ए टेस्ट से हम जो बड़ा एंगल है उसको, ये जो सेकेंड ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल, इसको हम सेकेंड ट्राइंगल से भी सिमिलर बताएंगे। ओके, तो पहला वाला हमारा हो गया, ये डन हो गया। अभी सेकेंड वन हमको ये वाला बताना है। सो इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे देखो दोनों में सेम वर्टेक्स कौन सा है, सी आएगा सी। यहाँ पे देखो सी कॉमन है, ए बी सी में यहाँ पे भी सी है और ये छोटे वाले में भी ये पूरा सी आ रहा है, करेक्ट। सो ए सी बी, ठीक है, हमने ये ले लिए एंड ए सी बी। ओके, अब ये इसमें से हम क्या लेंगे, दिस इज सिमिलर टू बी सी डी, करेक्ट। बी सी डी ये दोनों एक ही इसमें आ जा रहे हैं, देन सेम इसमें का राइट एंगल और इसमें का राइट एंगल हम लेंगे, तो इसमें का राइट एंगल हमको पता है ए बी सी है। ओके, एंड दिस विल बी सिमिलर टू, यहाँ पे कौन सा राइट एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, मीन्स सी डी बी। सो बी डी सी एज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये तो हमने बता दिया कॉमन एंगल था। तो अब दोनों दो एंगल हमारे सिमिलर आ गए, देयरफोर ये जो हमारा है ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सो हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया। अभी हमारा जो फर्स्ट वाला था इसको हमने सपोज नेम दे दिए ए, और जो हमने अभी सेकंड प्रूफ किया इसको हमने नेम दे दिए टू। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल सेम सिमिलर है इसके और ये भी सेम है सिमिलर के, यानी कि अल्टीमेटली फ्रॉम वन एंड टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। सो सी भी हमारा हो गया, यानी कि यहाँ पे मेन क्या किया गया है, जो बड़ा एंगल है और ये वाला एंगल, उसमें का हमने एक कॉमन एंगल चूज किए, देन उसके बाद में जो दोनों ट्राइंगल है उसमें के हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिए। सो दो हमको सिमिलर मिल गए एंगल्स, दो एंगल सिमिलर मिलने के बाद में बाय ए ए टेस्ट हमने ये दोनों को सिमिलर बता दिया। सो हेंस थ्योरम इज प्रूफ्ड। सो अब हम देखते हैं सेकंड थ्योरम, ये थ्योरम का जो नाम है दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरम में हमको क्या गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ। सो द थ्योरम इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इन टू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। मीन्स देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि जो हमारा ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल सपोज प्रूफ के लिए फॉर्म किया, ओके यहाँ पे वो हमारा राइट एंगल। सो द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सपोज मैंने यहाँ से ये ड्रॉ की, ओके एंड इसको नाम दी मैंने एस, तो ये जो रहेगा QS, ये क्या रहेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इन टू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ये इसका
इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये जो क्यू एस है ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, हमको ऐसा प्रूफ करना है। मतलब कि हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे ऐसा साइड में मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ समझने के लिए, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर, क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। इसका मतलब क्या होता है कि क्यू एस जो है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। सो कैसे करेंगे, अब हमने जो पहला थ्योरम देखे थे उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमने पहला थ्योरम क्या देखे थे कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये इस अल्टीट्यूड की वजह से दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं, करेक्ट, यानी कि ये ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टू। सो यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले हेयर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज वॉट, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। एंड ये हमारा जो क्यू एस है, क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स जो कि हमने अभी थ्योरम देखे थे, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये जो दो ट्राइंगल है सेम आएंगे, देयर फोर ट्राइंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर एंड ये सिमिलर रहेगा किससे, पी एस क्यू से, ये दोनों ट्राइंगल हमने सेम बता दिए बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल से, ओके। सो नाउ अभी ये दोनों सिमिलर है तो हमको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, इनके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं, तो यहाँ पे हम कौन से साइड्स चूज करेंगे, हमको क्यू एस पी एस आर एस चाहिए तो उस हिसाब से हम चूज करेंगे। सो अगर मैंने क्यू एस ली तो क्यू एस डिवाइडेड बाय एस ए पी एस, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू एस आर डिवाइडेड बाय एस क्यू, गॉट इट अप टू हेयर, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज क्यू एस, दिस इज एस क्यू मीन्स क्यू एस, सो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एस आर इंटू पी एस, देन इसका क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस आर इंटू पी एस, सो सी आ गया ज्योमेट्रिक मीन, सो हेंस प्रूफ्ड। अब आते हैं हम हमारे थर्ड थ्योरम के, जो कि इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का हार्ट है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको आगे की क्लास में भी यूज होगा, हमेशा यूज होगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरम क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, वापस से राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ, व्हाट वी आर सेइंग, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रूफ क्या करना है ये गिवन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ मीन्स एडिशन, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, ये हाइपोटेनस होगा तो दो साइड कौन सी बची, ए बी एंड बी सी, तो इन दोनों का स्क्वायर का क्या है, वो सम है, यानी कि ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। सो थ्योरम में हमको ये प्रूफ करना है, ओके, गिवन क्या है हमारे को, इनर राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि हमको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, सो हमने कंस्ट्रक्ट किया ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सो हेयर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, एंड एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, यहाँ पे हमने ड्रॉ की, ये हमारा गिवन, ओके। ये हमने टू प्रूफ भी यहाँ पे लिख लिया, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। और अब कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिक्यूलर, वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, परपेंडिक्यूलर
बी डी, यहाँ पे मैंने बी डी इसको नेम दे दी, ये क्या है परपेंडिकुलर है ए सी पे, मीन्स बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। अब देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, मैं प्रूफ का कोर आपको जो क्या है वो बता देती हूँ सबसे पहले। तो प्रूफ में हमको क्या करना रहेगा, जो हमने फर्स्ट थ्योरम देखे थे, फर्स्ट थ्योरम क्या देखे थे, जो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी है, ये ट्रायंगल 1 2 ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे, और ये जो हमारा ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल है इसके सिमिलर रहेंगे, तो यहाँ पे हमको ये यूज़ करना रहेगा। देन हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी, हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल इज सिमिलर टू एडीबी, करेक्ट, पहला ट्रायंगल। फिर ये सिमिलर है किसके, सेकंड ट्रायंगल विच इज बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ये तीनों सिमिलर है क्यों, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, करेक्ट, इसका हमने यूज किया। अब हम इनको वन बाय वन यूज करेंगे। अभी सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे। सो यहाँ पे हमने पहले इसको लिए, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज करेंगे। पहले हम इन दोनों का लेते हैं। अब इन दोनों की सिमिलर साइड पहले ए बी ए डी, करेक्ट, सो ए बी अपॉन ए डी, दिस इज इक्वल्स टू बी सी डी बी, सो बी सी डी बी इक्वल्स टू, अब कौन सी बच गई, ये दोनों ले लिए, अब ए सी वाली बच गई, ठीक है, सो ए सी ए बी, ए सी ए बी, ये करस्पॉन्डिंग साइड है इसीलिए। अब यहाँ पे जो हम हैं ये फर्स्ट एंड जो लास्ट है, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट इसको लिखेंगे। सो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, ओके, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब देखो हमने ये दोनों का यूज कर लिए, करेक्ट, क्या बच गया, ये वाला बच गया ट्रायंगल बी डी सी। तो अब हम ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी का यूज करेंगे। सो इन दोनों को हमने सिमिलर बताए इस तरह से, तो देखो हमको ये ऐसा मिलेगा, ये कैसे मिला ये भी बताती हूँ। हमने क्या यूज करे अभी, ए बी सी इज सिमिलर टू ये लास्ट वाला, ओके, सो ए बी ए बी, देन बी डी बी डी, देन बी सी बी सी, देन डी सी डी सी, देन क्या बच गया, ए सी ए सी, देन बी सी, तो ऐसा हमने यूज किए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट के दो लेंगे, ये लेंगे और ये वाला लेंगे, ओके, सो यहाँ पे कैसा आएगा, बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, करेक्ट। अब क्या करेंगे, सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी सी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, करेक्ट। अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। सो यहां पे देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2, सो क्या हो जाएगा फिर, लेफ्ट साइड दोनों की ऐड करना पड़ेंगे और राइट साइड ऐड करना पड़ेंगे, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर लेफ्ट साइड हमने ऐड किया तो राइट साइड भी करनी पड़ेगी ऐड, सो इसकी राइट साइड क्या है, ए डी इंटू ए सी, फिर क्या हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं, किससे, अभी इससे, ए सी इंटू डी सी। अब दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है,
एसी एसी कॉमन है, करेक्ट, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा फिर, ए डी प्लस डी सी, करेक्ट। बट वॉट इज ए डी प्लस बी डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या है, देखो फिगर में आते ए डी, ये ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी पूरा अगर हमने दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा वो ए सी, करेक्ट। सो इन दोनों के जगह पे क्या लिखेंगे हम फिर, डी सी और ए डी के जगह पे ए सी, क्योंकि ये दोनों का एडिशन अल्टीमेटली साइड ए सी है, अब दोनों सेम है तो ए सी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड ये हमारी लेफ्ट साइड क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो आ रहा है क्या हमारा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिर्फ हम उसको थोड़ा रिवर्स कर देंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो हेंस प्रूफ। सो कितना सिंपल था ये समझने, यहाँ पे क्या प्रूफ करना था हमको कि हाइपोटेनस जो है वो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किए, हमने सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की थी वो यूज़ करके पहले इन दोनों के सिमिलर बता के ये रेशियो का यूज़ किए फिर ये दो इक्वेशन हमने बनाए बराबर, देन ये दोनों इक्वेशन आने के बाद में दोनों को ऐड कर दिए, देन ऐड करने के बाद में इसके जगह पे एसी रखने के बाद अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में 80% ये चैप्टर में से ये वाला थ्योरम आता है, तो इसको एकदम अच्छे से समझ के करना है। ओके, अब हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका कॉन्वर्स प्रूफ देखेंगे। सो सबसे पहले थ्योरम में क्या है वो देखते हैं, इन अ ट्राइंगल, अब यहाँ पे सिंपली ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ ये यहाँ पे क्या रिटन है, ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वॉट, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, जो एक साइड है उसका अगर स्क्वायर वो क्या है, सम है, यानी कि पिछला जो हमने देखे उल्टा है सिर्फ, वो हमको गिवन रहेगा और हमको प्रूफ क्या करना है, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पे उल्टा है, हमको वो क्या ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वो गिवन रहेगा और हमको प्रूफ क्या करना रहेगा कि वो जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देखो एक हमारे पास, उसने हमारे पास ट्राइंगल दिया है ए बी सी, करेक्ट, इसने बोला नहीं कि राइट एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमको क्या बोला है कि राइट एंगल में जो एक साइड है ये सपोज ए सी स्क्वायर, ये क्या है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, रिमेनिंग कौन सी हो गई ए बी एंड बी सी, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको गिवन है, ओके, एंड हमको प्रूफ क्या करना है कि इसमें का जो ये एंगल है ये राइट एंगल रहेगा, तो अगर ये राइट एंगल आ गया तो अल्टीमेटली हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, करेक्ट, तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम क्या करेंगे अभी प्रूफ के लिए, इसके साथ हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है, हाँ ये गिवन नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, ओके, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। सो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करती हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये हमको गिवन रहेगा ये राइट एंगल है, ओके, और ये हमको ऐसा ड्रॉ करना है कि ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू के सेम होना चाहिए। सो ड्रॉ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड ये पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू ए बी, और साथ ही साथ क्यू आर ये इक्वल रहना चाहिए बी सी के, ये दोनों साइड्स जो है सेम होनी चाहिए, ओके। सो हमको प्रूफ क्या करना है अभी यहाँ पे कि ये जो हमारा गिवन ट्राइंगल था
ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको प्रूफ कैसे करें? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन स्टेप की स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल है उसको सिमिलर बताएंगे। सिमिलर कैसे बताएंगे? अब ऑलरेडी इसके जो दो साइड्स है वो कॉन्ग्रंट हैं, पी क्यू इक्वल्स टू ए बी है, क्यू आर इक्वल्स टू बी सी है। अगर हमने क्या बोल रही हूँ मैं, अगर हमने एक और साइड मीन्स ये जो साइड्स बच गई ए सी एंड पी आर, इसको हमने अगर कॉन्ग्रंट सेम बता दिए तो अल्टीमेटली बाय एस ट्रिपल एस टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो दोनों के जो एंगल्स का मेजरमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे ये बी बी क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। सो प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये की स्टेप्स है, यहाँ पे की स्टेप क्या है कि दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर बताना है। सो देखो कैसे बताएंगे हम यहाँ पे। अभी सबसे पहले हमको क्या गिवन है, ओके प्रूफ में क्या है, एज ये जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर ये क्या है, इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने देखे थे, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो हाइपोटेनस है दैट इज पी आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, सम आएगा रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, करेक्ट। अब जैसा कि हमारे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताया है, पी क्यू सेम है ए बी के, तो हम पी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर, देन प्लस अब हमने यहाँ पे क्या बताया था कंस्ट्रक्शन में, क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, सो यहाँ पे हम क्यू आर के जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी देन स्क्वायर, ओके। अब देखो ये क्या है, किसके इक्वल एक्चुअली, हमको गिवन क्या था कि जो हमारा ट्राइंगल रहेगा उसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, इनकी ये हमको गिवन था। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं एज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अब ये लेफ्ट साइड क्या है, पी आर स्क्वायर। अब दोनों को क्या लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, पी आर इक्वल्स टू ए सी। ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, ले रहे हैं, क्यों, बिकॉज लेंथ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, सो हैंस पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे लिए हैं, सो हैंस पी आर इक्वल्स टू ए सी। ये जो बच गई थी साइड पी आर और ए सी, ये दोनों भी कॉन्ग्रंट आ गई, करेक्ट। सो एज पी क्यू इक्वल्स टू ए बी, क्यू आर इक्वल्स टू बी सी एंड पी आर इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर बाय एस 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 टेस्ट, ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे ये क्या रहेंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल रहेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, जैसा कि दोनों सिमिलर है तो एंगल भी इसके कॉन्ग्रंट इसके सेम आना चाहिए इसका मेजरमेंट, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रंट टू और इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एज एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो हैंस प्रूफ, देयरफॉर दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ देर आर टू प्रॉपर्टीज और थेरम जो हमको याद रखने हैं, ओके। उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, सो 30, 60, 90 ट्राइंगल प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी क्या हम देखते हैं, सो इफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30, 60, 90 मीन्स सपोज दिस इज ट्राइंगल, ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री, इसको मैंने नाम दी ए बी एंड सी, और सपोज दिस एंगल इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 90, तो अगर ऐसे फॉर्म में है देन
साइड अपोजिट टू 30, ये 30 के अपोजिट जो साइड है विच इज बी सी, ये कह रहेंगे इज हाफ ऑफ, इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. व्हाट इज हाइपोटेनस? ए सी. यानी कि जो 30 के सामने की साइड रहेंगी, 30 के सामने की साइड है बी सी, ये हाफ रहेंगी हाइपोटेनस के. एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी. ये क्या रहेंगी? रूट 3/2 टाइम्स हाइपोटेनस. व्हाट इज हाइपोटेनस? ए सी. सो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी हैव टू यूज इन द प्रैक्टिस सेट. सो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है 45, 45, 90 ट्राइंगल की. सो इसमें क्या रहेगा? सेम ट्राइंगल रहेगा, ये 90 डिग्री, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी. और सपोज ये 45 है एंड ये भी 45 डिग्री एंगल है. ओके सो क्या बोल रहा है वो यहाँ पे कि अगर हमारा ट्राइंगल में 45, 45, 90 डिग्री के एंगल है, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर साइड ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी इज आर 1/2, आर 1/2 टाइम्स द हाइपोटेनस. व्हाट इज हाइपोटेनस? ए सी. यानी कि जो हमारी परपेंडिकुलर साइड्स है, दैट इज 45 के सामने वाला साइड्स, वो क्या रहेंगी? इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी. सो अब जो ये प्रैक्टिस सेट 2.1 है, ये बेस्ड है हमने जो भी पिछले थ्योरम्स देखे, और मेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज है. ओके सो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. अब हमको यहाँ पे ट्रिपलेट्स दी रहेंगी, मीन्स हमको यहाँ पे तीन नंबर्स दिए रहेंगे, हमको पहचानना रहेगा कि ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं. मीन्स ये तीनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है या फिर नहीं, इसका मतलब ऐसा होता है. सो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेम्बर, हमको यहाँ पे देखो क्या बताना रहेगा कि एक का जो स्क्वायर है, क्या बोल रही हूँ मैं, एक साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का एडिशन है. हमेशा याद रखो जब आप ये ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें तीनों में देखने का कि बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज बिगर नंबर. सो यहाँ पे 5 बिगर नंबर है, तो हम इसका स्क्वायर देखते हैं इक्वल है कि नहीं इन दोनों के स्क्वायर. सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है? 25, करेक्ट. देन ये दोनों का स्क्वायर अभी हम लेंगे. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये इनका एडिशन क्या होता है? 25. सो ये आ रहा है किसके इक्वल, करेक्ट, फ्रॉम 1 एंड 2. इसको मैंने अगर नाम दे दी थी 1, और इसको मैंने अगर नाम दे दी 2. सो एज राइट हैंड साइड्स आर सेम, ये भी 25, ये भी 25, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेंगे? सेम. सो देयरफॉर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो देयरफॉर 3, 5, 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट. कितना सिंपल था, सिर्फ एक जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेके चेक करना था कि ये दोनों के एडिशन के स्क्वायर से आता है वो सेम या फिर नहीं. अब देखो सेकंड देखते हैं हम. सो सेकंड ट्रिपलेट हमको क्या गिवन है? 9, 4, 9 and 12, करेक्ट. वी हैव गिवन 4, 9 and 12. सो यहाँ पे विच इज बिगर नंबर, तीनों में बड़ा क्या है? 12, करेक्ट. सो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर लेंगे. व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144. तो क्या बच गया? 9 and 4 बच गया. अब इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं. सो 4 स्क्वायर, इसको हम पहले 1 नाम देते हैं, इसको 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16. एंड व्हाट इज 9 स्क्वायर? 81. सो इनको ऐड करते हैं यहाँ पे साइड में, 6 and 1, 7, 8 and 1, 9. सो ये क्या आ रहा है? 97. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2. सो 1 और 2 का राइट साइड सेम आ रहा है कि ये 144 है और ये 97 है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. देयरफॉर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगी कि फिर नहीं आएगी? देयरफॉर 4
9, 12 are not Pythagorean triplet. करेक्ट. अभी थर्ड देखते हैं, फिर आगे के आपको करना है. ओके, सो थर्ड देखो. थर्ड क्या है यहाँ पे हमको गिवन, 5, 12, 13. सेम कि देखो कि कौन सा नंबर बिगर है. सो कौन सा बिगर है इनमें, 5, 12 and 13 में से 13 बिगर है. करेक्ट. सो हम क्या करेंगे, पहले 13 का स्क्वायर लेंगे. सो 13 का स्क्वायर क्या आता है, 169. करेक्ट. इसको इक्वेशन वन नाम दे दिए. फिर बाकी क्या बचा, 12 and 5, इसका स्क्वायर लेंगे. 5 square plus 12 square, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5 25. करेक्ट. देन 12 का स्क्वायर 144. करेक्ट. देन इसको साइड में ऐड करके देखते हैं, 144 and 25, दिस इज 4 plus 5 9, 4 plus 2 6 and 1, सो इक्वल्स टू 169. इसको इक्वेशन टू. अब देखो राइट हैंड साइड दोनों के सेम आ रहे हैं क्या, यस. दिस इज 169, दिस इज ऑल्सो 169. सो एज राइट हैंड साइड आर सेम, सो LHS भी सेम होना चाहिए. देयर फोर फ्रॉम 1 and 2, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 square plus 12 square. देयर फोर क्या आएगा, देयर फोर 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ओके, अभी जो सेम टाइप के है वो आप करो एंड चेक करो वेदर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें एंगल एम एन पी इज 90 degree. एंगल एम एन पी ये क्या है, 90 degree. एंड एन क्यू, एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द सेगमेंट एम पी के ऊपर. और हमको एम क्यू की लेंथ गिवन है विच इज 9 unit. एम क्यू की क्या गिवन है हमको, एम क्यू इज 9 unit. एंड क्यू पी क्या गिवन है हमको, 4 units. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एन क्यू. एन क्यू की हमको लेंथ फाइंड करनी है. तो ये बहुत सिंपल है. अभी हमने जो सेकेंड थेरम किए थे, क्या था, थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या था, कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों साइड का स्क्वायर. सो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे, एज गिवन एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 degree एंड एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एम पी. देयरफोर बाय थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक अभी जो हमने थेरम देखे थे तो उसका हमने यहाँ पे यूज करेंगे. सो क्या आएगा, थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से एन क्यू, देखो एन क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, एम क्यू इंटू क्यू पी. सो एम क्यू इंटू क्यू पी, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, एम क्यू क्या है हमारा 9, इंटू क्यू पी हमारा क्या है 4. सो 9 into 4 36. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड एन क्यू. अब ये स्क्वायर है और ये 36 है, 36 ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, बराबर. सो एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6 square. अभी हम दोनों साइड से टेकिंग स्क्वायर रूट, सो व्हाट वी विल गेट, एन क्यू इक्वल्स टू 6 unit. सो देयरफॉर इसकी लेंथ क्या आई, 6 unit. कितना सिंपल था ये क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन अ फिगर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज वॉट 90 degree. ये क्या है, 90 degree है. एंड पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन, पी एम किसके क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, एंड क्यू एम आर ये तीनों क्या है, कोलिनियर है. पी एम की लेंथ जो है वो 10 है एंड क्यू एम की जो है वो 8 है. ओके, सो इसका यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, क्यू आर, ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है. अब यहाँ पे नोटिस करो, हमारे पास क्यू एम की लेंथ है 8, अगर हमारे पास एम आर की लेंथ आ जाती है, करेक्ट, हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है तो हम इसको और इसको अगर ऐड के तो अल्टीमेटली हमको क्यू आर की लेंथ मिल जाएंगी.
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम आर की लेंथ फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन में क्या है, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. सो अब एम आर की जो लेंथ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे भी हमको ये दोनों गिवन है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. करेक्ट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है इन दोनों के प्रोडक्ट के. ओके, सो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इस ट्राइंगल में व्हाट वी विल गेट, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर. ओके, सो वी हैव पी एम, व्हाट इज पी एम, 10, सो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देन क्यू एम, वी हैव क्यू एम ऑल्सो विच इज 8 इंटू एम आर. एम आर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे फॉर दिस क्यू आर. सो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100. करेक्ट, इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर. सो टेकिंग 8 टू द लेफ्ट साइड, 100 अपॉन 8 इक्वल्स टू एम आर. सो वॉट हमको क्या करना है यहाँ पे, आफ्टर डिवाइडिंग 100 बाय 8 एम आर की जो लेंथ हमको मिलेंगी 12 इंटू 5 यूनिट्स. ओके, सो अब हमको एम आर मिल गया. वी हैव एम आर इक्वल्स टू 12.5 एम आर हमारे पास है. ऑल्सो वी हैव एम क्यू विच इज 8. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्यू आर मिल जाएगा. सो एज क्यू एम आर कोलिनियर, सो देयर फोर क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर इक्वल्स टू वॉट, क्यू एम प्लस एम आर. वॉट इज क्यू एम 8, वॉट इज एम आर 12.5. सो आफ्टर एडिंग देम वी विल गेट 20 इंटू 5 यूनिट्स. सो हैंस द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 20.5. सो हमको ये भी मिल गया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सी फिगर, ये फिगर को देखो एंड फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस ट्राइंगल पी एस आर. सो हमको इसका यूज करके व्हाट वी हैव टू फाइंड, पी आर और आर पी एंड पी एस. सो कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ हमारे पास एक साइड की लेंथ है. तो यहाँ पे देखो हमको यूज़ करना है प्रॉपर्टी ऑफ 90, 30 एंड 60. लेकिन उसके लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए कितना है. नाउ सी, वी हैव गिवन हेयर एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो एंगल आर क्या होगा फिर, एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, एडिशन कितना होता है तीनों का, 180 डिग्री. करेक्ट, व्हाट इज एंगल एस, 90 डिग्री. व्हाट इज एंगल पी, 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आर, देन 90 प्लस 30 इज व्हाट, 120. ओके, देन टेकिंग 120 ऑन राइट साइड, 180 माइनस 120 विल बी व्हाट, 60 डिग्री. सो देखो हमको यहाँ पे ये क्या मिल गया, देन आर 60 डिग्री. हम यहाँ पे अभी यूज कर सकते हैं विच प्रॉपर्टी, 30, 60, 90. सो हेयर देयर फोर ट्राइंगल पी एस आर इज 30, 60, 90 ट्राइंगल. करेक्ट, सो देयर फोर by 30, 60, 90 triangle theorem जो कि हमने देखे. So according to this theorem क्या आएगा, जो हमारा opposite side है 30 के opposite side, ये कौन सी side है, आर एस. तो ये क्या रहेगा, आर एस hypotenuse का half रहेगा. Correct, what is hypotenuse here, आर पी. सो देयरफोर
आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस. व्हाट इज हाइपोटेनस? पी आर. करेक्ट. व्हाट इज आर एस हेयर? हमारे पास आर एस कितना है? 6 है. सो 6 इक्वल्स टू 1/2 पी आर. टेकिंग 2 टू द लेफ्ट साइड, 6 टू जा 12. सो पी आर की लेंथ मिल गई हमको 12. करेक्ट. हमने पी आर मीन्स आर पी फाइंड कर लिए. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड पी एस. सी, टू फाइंड पी एस क्या होता है? पी अगर हमको पी एस फाइंड करना है तो दो मेथड है. हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 30, 60, 90 यूज कर सकते हैं. सो क्या होता है इसमें कि जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड रहेंगी, विच इज व्हाट? एस पी. एस पी ये क्या रहती है? ये 3/2 इनटू हाइपोटेनस, विच इज हाइपोटेनस इज व्हाट? पी आर. ओके, सो व्हाट इज रूट 3/2 पी आर इज व्हाट? अभी यहाँ पे हमने 12 फाइंड किए. सो 2 1 2, 2 6 12. सो 6√3 यूनिट्स. सो एस पी हमको मिल गया. करेक्ट. सो यहाँ पे हमने 30, 60, 90 का यूज किया. क्या? कि 30 के जो सामने का साइड होती है, दैट इज हाफ ऑफ द दिस हाइपोटेनस, एंड जो 60 डिग्री के सामने की साइड होती है, सो दिस इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस. सो हेंस वी गॉट दिस 2. पी आर इक्वल्स टू 12 यूनिट एंड एस पी इक्वल्स टू 6√3 यूनिट्स. नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट? फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन. इस फिगर में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो ये एक्टिविटी जो है हमको कंप्लीट करनी, मीन्स वी हैव टू फिल दिस स्क्वायर्स, दिस ब्लैंक्स. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये दोनों जो साइड्स है ये क्या है? कॉन्ग्रंट है. करेक्ट. अभी ये दोनों साइड्स अगर कॉन्ग्रंट रहेंगी तो ये दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स है, मीन्स ये साइड का कौन सा है? ये वाला, और बी सी का ए. करेक्ट. ये हमारा 90 डिग्री है और ये दोनों जो है क्या है? एंगल है. किसके? कॉन्ग्रंट साइड के. तो इसका कितना आएगा फिर? 45 डिग्री और इसका भी 45 डिग्री. समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे साइड में करके बता रही हूँ. देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल बी है, ऐसे लिखती हूँ मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या रहना चाहिए? इक्वल्स टू 180. करेक्ट. एंगल ए हमको नहीं पता, एंगल बी इज व्हाट? 90 डिग्री. प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. करेक्ट. अब ये दोनों जो है जो सेम साइड है उसके अपोजिट एंगल, तो ए और सी दोनों सेम रहेंगे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी के जगह पे ए. अब ये 90 को लेफ्ट साइड में लिए तो 180 में से 90 गए 90 डिग्री, देन ये 2 ए इक्वल्स टू 90. सो 2 राइट में आके डिवाइड होगा तो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 45 डिग्री. सो देयरफॉर ये क्या है? 45 45. अब यहाँ पे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे क्या आएगा? ए बी इक्वल्स टू बी सी. रीजन क्या आएगा? साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रंट एंगल. करेक्ट. अब जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाए, क्या आएगा फिर यहाँ पे? एंगल बी ए सी. क्या आया हमारा? बी ए सी 45 डिग्री. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 45 डिग्री. अब देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, दोनों सेम है. सो इसकी लेंथ क्या है? अभी हमने जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थ्योरम देखे थे, कौन सा? 45 45 90 डिग्री वाला. ओके, 45 45 90 डिग्री. उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये साइड्स होती है बी सी एंड ए सी, मीन्स 45 के सामने वाली साइड्स होती है, वो क्या होती है? ये ए बी और बी सी, ये 45 के सामने की साइड, ये क्या होती है? 1/√2 इंटू ये हमारा ए सी, मीन्स हाइपोटेनस के ये होती. करेक्ट. तो ए सी क्या है? √8. तो ये हमको गिवन एक्टिविटी में यहाँ पे क्या आएगा? 1/√2. करेक्ट. नाउ 8 को ही रिप्रेजेंटेड एज 2√2. कैसे? देखो
ये भी समझ लो, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, करेक्ट। सो ये 2 दो बार आ गया तो बाहर निकल गया और अंदर क्या बचा, रूट 2। सो हेंस यहाँ पे ये, यहाँ पे सेम 1/√2। नाउ दिस √2 √2 विल कैंसल आउट, वॉट इज रिमेनिंग, ओनली 2। सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2 यूनिट्स। सो इट वॉज वेरी सिंपल। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। क्या बोला उसने, साइड फाइंड करना है एंड पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, स्क्वायर के हर साइड क्या होती है, सेम होती है, करेक्ट। उसका हमको साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है, हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल की लेंथ कितनी है, 10, करेक्ट। अभी हमको पता है जो स्क्वायर का जो ये रहता है 90 डिग्री होता है, करेक्ट, और ये हमको 10 गिवन है। सो अब हम साइड कैसे फाइंड करेंगे फिर, सो ये भी बहुत सिंपल है। सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हमारा जो स्क्वायर है, इसको मैंने नाम दे दी PQRS। तो हमारे पास डायगोनल था जिसकी लेंथ थी 10, करेक्ट, और ये स्क्वायर है इसीलिए 90 90 90, और ये सब सेम, करेक्ट। सो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन, सो गिवन इज व्हाट, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर है PQRS, दिस इज स्क्वायर, करेक्ट। देन जो हमारी SQ एंड PR, ये दोनों डायगोनल की लेंथ कितनी, PR की 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, ये हमको गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड साइड की लेंथ, साइड की लेंथ मीन्स व्हाट, PQ, ये PQ, ये सब साइड सेम होती है, इसीलिए हम कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड दिस वन एंड पेरीमीटर, करेक्ट, हमको पेरीमीटर फाइंड करना है इस स्क्वायर का। सो कैसे करेंगे, सो सी यहां पे सबसे पहले एज PQRS इज स्क्वायर, सो देयरफॉर PQ इक्वल्स टू QR, ये दोनों सेम रहेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, एज साइड्स ऑफ स्क्वायर, करेक्ट, इसको हम नेम दे देंगे 1। नाउ इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल में देखो, ये मैं समझने के लिए ऐसे इसको लिखती हूँ PQR, ओके, इस ट्राइंगल में देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, एंगल एज एंगल Q इज 90 डिग्री, से देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर विच इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। नाउ PQ इक्वल्स टू व्हाट, QR, करेक्ट, सो हम यहाँ पे QR के प्लेस पे PQ लिख सकते हैं, करेक्ट। सो PQ स्क्वायर प्लस QR के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, QR के प्लेस पे PQ, ओके। अब ये PR, यहाँ पे PR की हमको कितनी लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, सो 10 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 1 PQ एंड 1 PQ विल बी 2 PQ स्क्वायर, करेक्ट, सो 10 का स्क्वायर इज व्हाट, 100, देन 2 PQ स्क्वायर। अब हम ये 2 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। वॉट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, करेक्ट, इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 50। अभी पहले मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसे मिलेगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट में आ जाएगा, करेक्ट। देन हाउ कैन आई राइट 50, 25 into 2, एम आई करेक्ट, सो वॉट इज 25 5 square into 2, सो ये जो 5 है हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये 5 बच जाएगा, एंड दिस विल बी √2। सो देयरफॉर PQ के क्या आई लेंथ, 5 √2 यूनिट। अब हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. व्हाट इज साइड हेयर? साइड की लेंथ कितनी है? 5√2. सो 5√2 करेक्ट. देन व्हाट इज 4 इंटू 5? 20√2. सो पेरीमीटर कितना आ गया? 20√2 यूनिट. सो हेंस प्रूफ. इसके यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिख दो. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ पे इन फिगर एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री. एंगल डी एफ ई ये क्या है? 90 डिग्री मीन्स हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है. एंड एफ जी इज परपेंडिकुलर ऑन ई डी. एंड वी हैव गिवन लेंथ ऑफ जी डी इज, जी डी की लेंथ कितनी है? 8 यूनिट्स. एंड एफ जी इज ऑल्सो गिवन. एफ जी की लेंथ कितनी है? 12 यूनिट. सो वी हैव टू फाइंड ई जी. क्या फाइंड करना है हमको? ये ई जी फाइंड करना है एंड एफ डी, ये एफ डी फाइंड करना है. एंड वॉट ई एफ, ये ई एफ फाइंड करना है. तो ये तीन चीज़ें हमको फाइंड करनी है. सो ये बहुत सिंपल है. वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या करना है. सो सबसे पहले गिवन हमेशा की तरह से लिख दो. डी एफ ई इज 90 डिग्री. एफ जी इज परपेंडिकुलर ऑन ई डी. देन जी डी की लेंथ है 8. एफ जी की लेंथ है 12. सो ऑल दीज आर गिवन थिंग्स. सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ई जी. ओके. सो देखो ई जी हम कैसे फाइंड करेंगे, ई जी कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ का स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स का लेंथ. करेक्ट. सो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ई एफ डी, जी एफ का स्क्वायर करेक्ट इक्वल्स टू, जी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? ई जी इंटू डी जी. ई जी इंटू डी जी करेक्ट. इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ. सो नाउ सी हमारे पास में जी एफ की लेंथ गिवन है. क्या है जी एफ की लेंथ? 12. सो 12 का स्क्वायर. देन ई जी हमको फाइंड करना है. सो एज इट इज. देन डी जी की लेंथ हमको गिवन है, कितनी है? 8. सो व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144 इक्वल्स टू ई जी इंटू 8. देन 144 से 8 इधर लेके आए तो डिवाइड करेंगे. 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू ई जी. क्या हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 18. तो क्या आएगा फिर आंसर? 18. द लेंथ ऑफ ई जी इज व्हाट? 18 यूनिट्स. सिंपल. सो फर्स्ट में हमने यूज किया थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. नाउ टू फाइंड एफ डी. क्या फाइंड करना है अभी हमको? एफ डी. अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. देखो कैसे. अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले, ये वाला ट्राइंगल. ओके. सो ये वाले ट्राइंगल में हमारे पास में इसकी लेंथ है. देन अभी अभी हमने ये देखे, इसकी लेंथ है. करेक्ट. सो हमको फाइंड क्या करना है? एफ डी. और ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. करेक्ट. एज ट्राइंगल जी डी एफ, ट्राइंगल जी डी एफ इज व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल. करेक्ट. सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड. सो व्हाट इज हाइपोटेनस हियर? डी एफ. सो डी एफ स्क्वायर. सो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर. सो इक्वल्स टू जी एफ स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर. सो वॉट इज डी एफ? वी हैव टू फाइंड एफ डी. मीन्स डी एफ
देन व्हाट इज जी एफ, जी एफ हमने अभी यहाँ पे देखे हमको गिवन है, कितना गिवन है एफ जी, 12, सो 12 स्क्वायर प्लस जी डी, जी डी हमारे पास है 8, सो 8 स्क्वायर, सो व्हाट इज 12 स्क्वायर 144, व्हाट इज 8 स्क्वायर 64, ये दोनों का एडिशन क्या होगा 208, करेक्ट, बट ये क्या है एफ डी स्क्वायर है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट एफ डी इक्वल्स टू अंडर रूट 208. हाउ कैन वी राइट 208, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 13 लिख सकते हैं, करेक्ट. अब 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, करेक्ट, तो 4 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 13. सो व्हाट इज लेंथ ऑफ एफ डी, 4√13, सो दिस इज. नाउ थर्ड, व्हाट वी हैव टू फाइंड ई एफ, टू फाइंड थर्ड क्या फाइंड करना बच गया, अब ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, अब ई एफ, अब हम ई एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये भी बहुत सिंपल है. अभी हमारे पास जी एफ की लेंथ है, ओके, करेक्ट, और हमारे पास में अभी ई जी की भी लेंथ हमने फाइंड की है. देखिए यहाँ पे ई जी की लेंथ कितनी है, 18, सो ये दोनों हमारे पास है, तो हम ये तीसरी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट. सो सी इन ट्राइंगल, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ई जी एफ, इन ट्राइंगल ई जी एफ, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, देयर फॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अपोजिट, ये हाइपोटेनस ई एफ स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स का एडिशन, मीन्स स्क्वायर ई जी स्क्वायर, ई जी स्क्वायर प्लस क्या आएगा एफ जी स्क्वायर, ओके. वी हैव टू फाइंड ई एफ, सो ई जी हमारे पास है, ई जी की लेंथ कितनी है, 18 यूनिट्स, सो यहाँ पे 18 स्क्वायर प्लस एफ जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12, सो 12 का स्क्वायर, व्हाट इज 18 स्क्वायर, 324, 12 का क्या आता है 144, दोनों को ऐड करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट 468. बट हमको सिर्फ ई एफ चाहिए, हमको ई एफ स्क्वायर चाहिए कि नहीं, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, करेक्ट. नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 36 इंटू 13. अब हमको पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 6 को, करेक्ट, अंदर क्या बचेगा 13. सो सी वी गॉट ई एफ एज 6√13 यूनिट, सो हमको ये तीनों मिल गए. नाउ नेक्स्ट, अब ये 8th, ये 8th वाला क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बोलूँ. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है एंड क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड द डायगोनल, वी हैव टू फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, हुज लेंथ इज व्हाट, 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज, ब्रेथ कितनी है 12. सो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज रेक्टेंगल, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, और ये हमारा ए सी क्या है, डायगोनल, ओके. अभी यहाँ पे देखो हमेशा अपोजिट साइड्स जो होती है रेक्टेंगल की वो कॉन्ग्रंट होती है, सेम होती है, तो ये दोनों सेम रहेंगे, करेक्ट, और ये जो ब्रेथ है ए सी, ये दोनों सेम रहेंगे बिकॉज दे आर अपोजिट. सो व्हाट वी हैव गिवन, ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है इज रेक्टेंगल, ओके, एंड लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, लेंथ मतलब ये ए बी एंड डी सी, सो ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू व्हाट, 35 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू फाइंड डायगोनल, डायगोनल इज व्हाट, ए सी, सो वी हैव टू फाइंड ए सी, और हमको पता है कि जो ये
रेक्टेंगल होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, करेक्ट। सो ये जो फॉर्म करेगा, ये जो हमारा ट्राइंगल रहेगा, दिस विल बी व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। सो हेयर ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट, इज राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। ये क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास ए बी की लेंथ है विच इज 35 एंड वी हैव लेंथ बी सी इज हाउ मच 12। सो हम ए सी की लेंथ मीन्स डायगोनल की लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे? यस करेक्ट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनस, ये ट्राइंगल में हमारे डायगोनल हाइपोटेनस बन गया है बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है। सो ए सी स्क्वायर सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, सो क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज ए बी 35, सो 35 स्क्वायर प्लस बी सी, व्हाट इज बी सी हेयर, बी सी इज 12, सो 12 का स्क्वायर। नाउ 35 का स्क्वायर करो कैलकुलेट तो कितना मिलेगा, यस 1225, एंड 12 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है 144। इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में हमको मिलेगा 1369। अब ये 1369 है, ये हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट 37 सेंटीमीटर। ये 37 का स्क्वायर ही होता है तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 37। सो हेंस, सो वर्ड में क्वेश्चन है सो हमको आंसर भी वर्ड में देना पड़ेगा, करेक्ट। सो डायगोनल की लेंथ कितनी है 37, सो देयरफोर द लेंथ ऑफ डायगोनल इज हाउ मच 37 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, अभी देखते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो इन फिगर एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट है क्यू आर का, इसीलिए ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। एंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये क्या है 90 डिग्री एंगल, सो हमको ये प्रूफ करना है, करेक्ट। अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं जो ये आर एम है, क्या है आर एम, ठीक है, इसको इन दोनों के फॉर्म में लिखूंगी, क्यों लिखूंगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो सबसे पहले देखो, एज ट्राइंगल पी आर एम, पी आर एम इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। सो क्या आएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेनस पी एम, सो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ओके। अब मैं क्या करूँगी, ये जो आर एम है ठीक है, इसको एज इट इज़ रखूँगी, आर एम स्क्वायर को एज इट इज़ रखूँगी, फिर ये पी एम स्क्वायर को भी एज इट इज़ रखूँगी, फिर ये जो पी आर है इसको लेफ्ट साइड लेके आऊँगी, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, देन पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन 1, ओके। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसका यूज अभी हम आगे करने वाले हैं, सो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, ये जो बड़ा हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर वापस से, व्हाट इज हाइपोटेनस फॉर पी आर क्यू, ये बड़े ट्राइंगल का पी क्यू, सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर विच इज पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको दूसरे पेज पे लिखती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है, एम इज व्हाट, एम मिड पॉइंट है, करेक्ट। सो
ये जो हमारा आर क्यू रहेगा, ये आर क्यू क्या रहेगा, डबल रहेगा, किसके डबल रहेगा, आर एम के. सो एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, बराबर, देयरफोर क्या आएगा, आर क्यू, देयरफोर आर क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ आर एम. ओके, अभी ये जो आर क्यू रहेगा यहाँ पे, इसके जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, टू आर एम. सो देयरफोर टू बिकम क्या हो जाएगा, टू बिकम्स पी क्यू इक्वल्स टू पी आर विल बी एज इट इज पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, टू आर एम द होल स्क्वायर. करेक्ट, ये एज इट इज लिखेंगे हम. देन ये इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आर एम स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे आर एम, हमने आर एम फॉर्म किए थे ये इक्वेशन वन में. आर एम क्या है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. सो इसके जगह ये पी आर तो पहले हम एज इट इज रहने देंगे. देन फोर एज इट इज, देन आर एम के जगह पे क्या आएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. सो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. करेक्ट, देन ये पी आर स्क्वायर एज इट इज, फिर फोर से ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे. सो फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी आर स्क्वायर. करेक्ट, ये पी क्यू स्क्वायर. नाउ पहले हम क्या करेंगे, ये 4pm पॉजिटिव है तो उसको इधर लिख देंगे pm स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4. ये देखो ये दोनों सेम है, इसके कोएफिशिएंट को हम माइनस कर सकते, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, फिर 3 pr स्क्वायर. सो देखो तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रूव हो रहा है क्या, क्वेश्चन में ये था pq स्क्वायर 4pm स्क्वायर 4pm स्क्वायर माइनस माइनस 3 pr स्क्वायर pr स्क्वायर. सो हेंस प्रूव्ड. नाउ सी 10th क्वेश्चन. अभी 10th क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लग रहा है बट इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है. सो सी व्हाट इज क्वेश्चन. अभी हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, ये वर्ड क्वेश्चन है. सो सी वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग, क्या बोल रहे हैं हम, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट. ओके, सो सपोज ये हमारी दो बिल्डिंग्स की वॉल है. ओके, ये बिल्डिंग वन है और ये बिल्डिंग टू है. ओके, ये दोनों की वॉल है. ये जो स्ट्रीट है ये क्या है, ये पूरी स्ट्रीट है, उसके ऊपर ये दो बिल्डिंग है. ओके, सो बोला है उसने कि ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल है. एंड अ लैडर 5.8 मीटर, लैडर की लेंथ कितनी है, 5.8 मीटर लॉन्ग, इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रीट. स्ट्रीट के ऊपर ऐसा प्लेस किया गया है सच दैट लैडर का जो टॉप है इट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर. ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है तो वो लैडर ऐसी रखी गई है कि बिल्डिंग के ये टॉप के विंडो पे जाके पहुंचता है. तो अभी सपोज ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर टॉप पे जा रहा है ये बिल्डिंग के, और इसकी कितनी लेंथ है लैडर की, 5.8 मीटर. और ये जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग के पास वो गया है, देखो टॉप सच दैट रीचेस टू द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ, क्या है हाइट, 4 है. तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी. करेक्ट, इसको हम नाम दे देते यहाँ पे सी डी एंड बी. ओके, इसको मैंने नाम दे दी. अब देखो क्या बोल रहा है वो, ऑन टर्निंग द लैडर, अभी लैडर को हमने टर्न कर दी ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट. देखो ये जो लैडर है ये ऐसी है, इसको मैंने टर्न कर दी ऐसा, ये लैडर ऐसी, इसको मैंने ऐसे टर्न कर दी. तो ऐसा टर्न करने के बाद में इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग, इसका जो, इसको हमने ऐसे टर्न कर दिया तो वो जो सेकेंड बिल्डिंग है उसके टॉप के ऊपर जाके इधर ऐसा टच कर रहा है. और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 4.2 मीटर. और लैडर तो सेम है तो लैडर की हाइट भी कितनी सेम रहने वाली है, 5.8 मीटर. देखो समझो ये इधर था लैडर, इसको हमने टर्न कर दिया दूसरी बिल्डिंग के ऊपर तो वो इधर चला गया. और ये बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, 4.2. सो इसको हम नाम दे देते हैं आर एंड ए. अब बिल्डिंग तो स्ट्रेट है
ठीक है, तो ये तो हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री, करेक्ट। ये हमने फॉर्म कर लिया, अब हमको फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट। विड्थ ऑफ स्ट्रीट मतलब के ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस, मीन्स वी हैव टू फाइंड आर डी। ओके, समझा है क्वेश्चन क्या है। ये बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंग है जो कि एक दूसरे के सामने है। ओके, ये बिल्डिंग के सामने ये लैडर ऐसी रखी गई है कि ये इसका जो टॉप इस बिल्डिंग को पहुंच रहा है, फिर ये लैडर को हमने टर्न कर दिए इधर वाली बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग की, तो ऐसा हमने फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं इसमें। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या आएगा, लेट आर डी, ये जो आर डी क्या है, रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ स्ट्रीट जो कि हमको फाइंड करना है, करेक्ट, स्ट्रीट की विड्थ है। एंड बी डी, ये बी डी जो है एक बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही, सो बी डी रिप्रेजेंट्स फर्स्ट बिल्डिंग, इसको रिप्रेजेंट कर रही है वो फर्स्ट बिल्डिंग को। ओके, सिमिलरली ए आर, ए आर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए आर सेकेंड बिल्डिंग को, गॉट इट। देन सी ए एंड सी बी, सी ए एंड सी बी दोनों सेम है लैडर, सी ए एंड सी बी आर टू डिफरेंट पोजिशन, हाँ पोजिशन लेंथ सेम है सिर्फ उसकी पोजिशन डिफरेंट है। सी ए एंड सी बी आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ लैडर। ओके, सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है, सॉरी कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो अभी हम इस फिगर के थ्रू क्या है सब गिवन लिख लेते हैं। सो फिगर को देखिए, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। सो देखिए फिगर में क्या क्या है हमारे पास में, वी हैव लेंथ ऑफ ए आर विच इज़ इक्वल्स टू 4.2 मीटर, करेक्ट। वी ऑल्सो हैव बी डी विच इज़ इक्वल्स टू 4 मीटर, और क्या है हमारे पास में, ए सी एंड सी बी दोनों सेम हैं, सो ए सी एंड बी सी, इधर लिखती हूँ मैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 5.8 मीटर, करेक्ट। और साथ ही साथ में ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल, देखो ए आर सी एंड बी डी सी आर राइट एंगल। अब हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट, मीन्स वी हैव टू फाइंड आर डी, हमको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब के ये आर डी, आर डी इज व्हाट, आर डी इज व्हाट। सो बहुत सिंपल है, अगर हमको आर सी की लेंथ मिल गई एंड सी डी की लेंथ मिल गई तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, आर डी, करेक्ट। लेकिन आर सी और सी डी कैसे फाइंड करेंगे, सो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव लेंथ ऑफ दिस टू साइड, सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सो देखो इन ट्राइंगल ए आर सी क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, करेक्ट। सो हमारे पास में ए सी की लेंथ है, ए सी कितना है 5.8, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.8 स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास ए आर की भी लेंथ है विच इज 4.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2 का स्क्वायर, बट हमारे पास आर सी नहीं है, हमको ये फाइंड करना है, सो आर सी स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे, क्या रहता है 5.2 का स्क्वायर, सो अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। ओके, आर सी स्क्वायर को वहीं पे रखेंगे, 5.8 स्क्वायर को भी वहीं पे रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सो 4.2 स्क्वायर, व्हाट इज 5.8 का स्क्वायर, हमको ये रहेगा 533.64, कैलकुलेट करो आप, माइनस 4.2 का स्क्वायर कैलकुलेट करो तो हमको मिलेगा 7.64। देन हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक करना है, तो सब्ट्रैक करने के बाद क्या मिलेगा, देखो ये पॉइंट का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, देन 33 माइनस 17 इज हाउ मच, यस इट इज
16. अब ये स्क्वायर है तो अभी हमको सिर्फ आरसी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट आरसी इक्वल टू 16, किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 4. सो 4 मीटर. तो हमको मिल गया आरसी, आरसी मिल गया. अब सिमिलरली क्या फाइंड करना है हमको, सी डी. यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. इन ट्रायंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेनस, बी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर. ओके, सो बी सी हमारे पास है 5.8 करेक्ट, इसका स्क्वायर. देन सी डी हमको फाइंड करना है, सो एज इट इज. देन वी हैव डी बी, व्हाट इज डी बी, 4. सो 5.8 का स्क्वायर. अभी हम ये लेने से पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे. सो सी डी स्क्वायर एज इट इज 5.8 एज इट इज. देन ये लेफ्ट में लेके आएंगे तो -4 स्क्वायर हो जाएगा. देन 5.8 का स्क्वायर 33.64 माइनस 4 का स्क्वायर 16. फिर क्या करेंगे हम, इसको इससे माइनस करेंगे. सो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7.64. अब ये तो स्क्वायर है, हमको सिर्फ सी डी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम इसका तो हमको मिलेगा 4.2 मीटर. ओके, तो हमारे पास सी डी भी आ गया. वी हैव सी डी एंड वी हैव आर सी. सो एज आर सी डी आर कोलिनियर, सो देयर फोर क्या हो जाएगा, देयर फोर आर, देखो मैं ऐसा करके लिखती हूँ ताकि आपको दिखे, आर डी, आर डी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या, आर सी प्लस सी डी, आर सी प्लस सी डी. वॉट इज आर सी, हमने अभी फाइंड किए 4, एंड वॉट इज सी डी, अभी हमने फाइंड किए 4.2. सो आफ्टर एडिंग देम हमको मिलेगा 8.2 मीटर. सो आर डी क्या है हमारा, 8.2 मीटर. अब क्वेश्चन वर्ड में, इसीलिए हमको आंसर भी किस में देना पड़ेगा, वर्ड में. सो क्या आएगा आंसर, देयर फोर, क्या पूछा था उसने, विड्थ ऑफ स्ट्रीट, तो क्या आएगा, देयर फोर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर. नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विद प्रूफ वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट है इन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. ओके, सी ये जो है ये एक्यूट है, और ये ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, एंड बी डी सी आर को लीनियर. सो हमको ये प्रूफ करना है. ओके, सो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो हमको लेंथ गिवन है जो साइड्स की वो लिख लेंगे हम. सो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी है, सी. देन हमारे पास में ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की बी. देन बी सी, बी सी की लेंथ कितनी आएंगी, ए माइनस एक्स प्लस एक्स मीन्स ए. सो बी सी इज इक्वल्स टू ए. एंड क्या बच गया अभी, डी सी. सो डी सी की लेंथ कितनी है, एक्स. ओके, और एक बच गया बी डी. सो बी डी इक्वल्स टू ए माइनस एक्स. सो ऑल दिस लेंथ्स आर गिवन. अभी देखो हम जो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए बी डी इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, सो देखो इन why, because this is 90 degree angle and this is right angle triangle. So in triangle ADB, ADB में apply करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, hypotenuse square. Hypotenuse क्या है यहाँ पे, A B means C square equals to, फिर side का square, side क्या है यहाँ पे, A minus X plus ये side का square which is P square. यहाँ पे हम लिखते हैं by पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे. सो ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस पी स्क्वायर एज इट इज. ओके, सो इसको हमने एक्सपांड कर दिए. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन नाम दे देंगे. ओके, अब ए डी सी में देखो, ए डी सी इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर
इक्वल्स टू ये साइड का स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर प्लस ये साइड्स का स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. अब हमको यहाँ पे इक्वेशन वन में पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. अब ये वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, वन में, पुट इन वन. सो क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर, ये बाकी की चीज़ें एज इट इज रहेंगी, इतना पार्ट ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. बी स्क्वायर के जगह पे क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. सो यहाँ पे हमको मिलेगा ये एक्स, एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. करेक्ट. क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. ये हो गया. अब इसको मैं देखो कैसे लिखती हूँ, ये बी स्क्वायर को मैं पहले लिखती हूँ माइनस टू ए एक्स. अब हमको क्या करना है, ये जो किस साइड्स की लेंथ है वो हम देखेंगे. सी स्क्वायर मीन्स सी जो है ये कौन से साइड की लेंथ है, ए बी. सो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ गया, ए बी. करेक्ट. सो हेंस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ए किसकी लेंथ है, ए हमारी बी सी की लेंथ है, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी एंड ये स्क्वायर एज इट इज प्लस. और बी किसकी लेंथ है, ए सी की, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस टू विल बी एज इट इज. नाउ ए किसकी लेंथ है, बी सी की. करेक्ट. यहाँ पे देखो इन टू एक्स किसकी लेंथ है, डी सी की. सो डी सी. सो देखो हमारा ये प्रूफ हो रहा है या फिर नहीं. ओके. ए बी आ गया हमारा ए बी स्क्वायर. करेक्ट. देन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, देन माइनस टू माइनस टू, देन बी सी इंटू डी सी, देन बी टी बी सी इंटू डी सी. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस वन. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम. सो यहाँ पे देखो सेकेंड में वी हैव ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पे एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 90 मीन्स ऑब्ट्यूस से एंगल ए सी बी ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है डी बी पे और हमको ये प्रूफ करना है. तो यहाँ पे भी हम सेम टेक्निक यूज करेंगे. पहले हम ए डी बी इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके. देन उसके बाद में हम ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी सी इसमें पी स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ बी एक्स लिखेंगे. तो वन बाय वन देखते हैं. सो इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं. क्या है, ए डी पी है. करेक्ट. देन डी सी क्या है, एक्स है. देन बी सी क्या है, ए है. करेक्ट. देन ए सी इज वॉट, बी है. करेक्ट. ए बी की लेंथ क्या है, सी. ओके. सो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज हाइपोटेनस हेयर. सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का एडिशन. सो पी स्क्वायर प्लस ये डी बी, डी बी मतलब क्या आएगा, एक्स प्लस ए. सो एक्स प्लस ए का स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सपांड दिस ब्रैकेट. सो पी स्क्वायर विल बी एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. करेक्ट. इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन वन, जैसे हमने उसमें किए थे. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटा ट्राइंगल है ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब पी स्क्वायर को हमको इन दोनों के इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे. सो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन वन में. सो पुट इन वन. सो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये पी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. अब देखो क्या कैंसिल होगा इसमें, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट. अब मैं क्या करूँगी, ए स्क्वायर को पहले लिखूंगी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. सेम स्टेप. अभी हमको क्या करना है, ये किसकी लेंथ है वो साइड लिखनी है. सो सी किसकी साइड है, ए
बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए किसकी साइड है, बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस बी किसकी साइड है, ए सी, सो ए सी स्क्वायर प्लस टू ए किसकी साइड है, बी सी इंटू एक्स किसकी है, डी सी। सो ये हमारा हो गया प्रूफ। पहला हमारा था फॉर एक्यूट एंगल, ये था हमारा फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। अभी ये जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है इसका नाम है द एपोलोनियस थ्योरम। ओके, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी 2.2 प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सॉल्व करने के लिए। सो देखो क्या है कि अगर ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें अगर एम, एम क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि एम अगर मिड पॉइंट है बी सी का, सो ये दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल रहेगा किसके, ट्वाइस ऑफ ये इन प्लस ट्वाइस ऑफ ये। तो देखो अभी हमने जो पिछले दो एप्लीकेशन देखे उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक एक्यूट एंगल वाला था और एक ऑब्ट्यूस एंगल वाला था। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन किए कि ए डी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ओके, सो अब यहाँ पे नोट करो, अगर ए एम, ये ए एम जो है हमारा, अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा, इफ ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ए एम इस पे परपेंडिकुलर नहीं है तो ए एम बी या तो वो ऑब्ट्यूस रहेगा या तो एक्यूट रहेगा, दो पॉसिबिलिटी है। वो परपेंडिकुलर नहीं इसलिए 90 डिग्री नहीं है, देयर फोर ए एम बी या तो ऑब्ट्यूस रहेगा और एक्यूट। सो यहाँ पे देखो फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो ए एम बी हमको ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, करेक्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना। सो इन फिग अभी पहले हम ऐसे लिख देते हैं एज ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमने लिख दिया। सो देन एंगल ए एम बी, ए एम बी एंड एंगल ए एम सी आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, सो देयरफॉर फिगर के हिसाब से क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फिगर मैंने अभी जो बताया आपको, ए एम बी इज व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट, एंड ए एम सी, एंड एंगल ए एम सी इज एक्यूट एंगल, करेक्ट। अभी अगर हम हमारा एग्जांपल वन हमने जो देखे थे उसमें क्या था कि अगर देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल के लिए पहला थ्योरम क्या था कि ए बी स्क्वायर, ये जो ए बी स्क्वायर ये क्या रहेगा, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये जो है इसके इसके स्क्वायर के बराबर, देन माइनस टू बी सी इंटू डी सी। तो हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, सो वो यूज़ करने के बाद हमको इसमें ऐसा मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस टू बी एम इंटू एम डी, ये हमको मिलेगा। एंड साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा ऑब्ट्यूस के लिए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस टू एम सी इंटू एम डी, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे हम एम सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, अभी हमको पता है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, देयर फोर बी एम की लेंथ किसके इक्वल रहेंगी, एम सी। सो हम एम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम बी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम स्क्वायर एम सी की जगह पे एम बी स्क्वायर माइनस टू एम सी, अभी एम सी की जगह पे भी मैं क्या लिख रही हूँ, बी एम या फिर एम बी इंटू एम डी। ओके, अब इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन टू और इसको हम नाम देते इक्वेशन वन। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड ऐड करें तो अब राइट साइड को हमने इन दोनों को ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा, टू ए एम स्क्वायर, करेक्ट, देन ये टू एम बी स्क्वायर, करेक्ट। अब ये क्या है, ये माइनस और ये प्लस और दोनों सेम है, बी एम इंटू एम डी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो यस,
वी गॉट अ प्रूफ। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशंस के थ्योरम देखे, मेनली जो हमने एपोलोनियस का थ्योरम देखे, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो पॉइंट एस है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर का। सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। ओके, एस क्या है, मिड पॉइंट है क्यू आर का, करेक्ट। इसको मैं ऐसे इसीलिए दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब हमको गिवन है पी क्यू की लेंथ 11, पी आर की लेंथ 17 एंड पी एस की लेंथ 13। सो हमको क्या फाइंड करना है, क्यू आर की लेंथ। अब कीवर्ड यहाँ पे तुमको कैसे पता चलेगा कि अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट वर्ड यूज़ किया है, करेक्ट। सो हेयर एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता है हमारा अपोलोनियस थ्योरम, ये दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू एस स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम आ गया। अब हम इसमें सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पी क्यू क्या है 11, सो 11 स्क्वायर प्लस पी आर 17, 17 स्क्वायर, टू एज इट इज पी एस, पी एस की लेंथ क्या है 13 स्क्वायर, देन टू क्यू एस, हम सो क्यू एस हमारे पास नहीं, हम पहले क्यू एस फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम अगर क्यू एस फाइंड करें, हमको ये लेंथ मिल गई तो हमको क्यू आर भी मिल जाएगा, करेक्ट। क्यू क्यू के ये क्यू आर क्या रहेगा, इसका सिंपली डबल रहेगा। सो हमको अगर क्यू एस मिल गया तो हमको अल्टीमेटली क्यू आर भी मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या आता है 121, 17 का 289। हम क्या करते हैं यहाँ से 22 कॉमन निकाल लेते हैं, करेक्ट, और 13 को अंदर लिखते हैं, तो ये सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। नाउ 121 प्लस 289 कितना होगा 410। अब ये 2 को इधर लेके आ गए तो वो डिवाइड हो गया, 13 स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर रहेगा, लिखना स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे अब 13 का स्क्वायर क्या रहता है 169 प्लस क्यू एस स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज 410 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 देन 0 2 5 ज़ा 10, करेक्ट। अब ये इधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर, सो सब्ट्रैक्ट करके देखो तो हमको मिलेगा 36 इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 6 किसका स्क्वायर है 36, 6 का, सो हेंस क्यू एस की लेंथ कितनी आई 6। अब हमको क्यू एस मिल गया तो हमको अल्टीमेटली क्यू आर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि एस मिड पॉइंट है क्यू आर का। सो एज एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, करेक्ट, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू व्हाट 2, क्यू आर इज डबल ऑफ क्यू एस, व्हाट इज क्यू एस, क्यू एस हमारा 6 है, 6 टू ज 12, सो यस हमारा आंसर आ गया 12 यूनिट। ये 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को तो 12, सो 12 यूनिट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो पहले क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसमें ए बी की लेंथ है 10, करेक्ट, देन ए सी की लेंथ है 7, देन बी सी की लेंथ है 9। अब देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। अब वो क्या बोल रहा है हमको, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द साइड ए बी, सी से हमने मीडियन ड्रॉ किए ए बी के ऊपर, ये दोनों सेम रहेंगे, तो हमको इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे एम, ये पॉइंट, तो हमको सी एम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट वर्ड आ गया यहाँ पे, मीडियन है तो ये एम मिड पॉइंट रहेगा, सो अपोलोनियस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर
बाय अपोलोनियस थ्योरम. क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मीडियन के जो बाजू में दो साइड्स रहते हैं, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ट्वाइस ऑफ दिस मीडियन. सी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस बी एम. ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम आ गया, करेक्ट. अब ए सी की लेंथ है हमारे पास क्या है? सेवन. बी सी की लेंथ है हमारे पास क्या है? नाइन. टू सी एम तो हमको फाइंड करना है, प्लस टू बी एम हमारे पास है क्या? नहीं है. सो बी एम हमको फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट. अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बी एम फाइंड करते. सेवन का स्क्वायर 49, नाइन का स्क्वायर 81. अब टू को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. वॉट इज 49 प्लस 51? करो साइड में, ये हो जाएगा 130 इक्वल्स टू टू, ये एज इट इज. फिर टू को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो 130 डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय टू? 65, करेक्ट. इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. अभी देखो हमको वैसे तो सी एम फाइंड करना है, लेकिन हमको ये फाइंड करने के लिए बी एम की भी चाहिए रहेंगी, करेक्ट. सो देखो हम बी एम की कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पे जो हमारा बी एम है वो क्या है? हाफ ऑफ दिस ए बी. इसको हम पहले मैं इक्वेशन वन नाम देती हूँ, एज बी एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयर फोर क्या आएगा हमारा? बी एम इज हाफ ऑफ ए बी. सो व्हाट इज ए बी? ए बी की लेंथ है 10, सो इनटू 10 ये क्या हो जाएगा फिर? बी एम इक्वल्स टू 5. अब ये हम कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन वन में. सो 65 इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस बी एम के जगह पे 5 का स्क्वायर. सो सी एम स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25. अब ये 25 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो सी एम स्क्वायर विल बी एज इट इज. सो 65 माइनस 25 क्या होता है? 40, करेक्ट. अभी हम 40 का दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो सी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 40. अब 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 इंटू 4. अब 4 किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट किसका? 2 का. सो क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा. सो 2 और ये 10 एज इट इज. सो हेंस इसकी हमको लेंथ ये क्या मिली मीडियन की? 2√10 यूनिट्स. देयर फोर द लेंथ ऑफ मीडियन is what? 2√10. Now see third question. अभी यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही दो ही चीज गिवन है कि पी एस क्या है? मीडियन है. ये पी एस ये फिगर में मीडियन है. अब ये मीडियन है, एज पी एस इज मीडियन, करेक्ट. तो हमारा जो क्यू एस इक्वल्स टू एस आर इक्वल्स टू हाफ रहेगा किसके? क्यू आर के, करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो पी एस है वो मीडियन है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, ये मैं इक्वेशन वन नाम देती हूँ. तो इसके हेल्प से हमको ये दोनों प्रूफ करने हैं. अब प्रूफ की स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, करेक्ट. सो फर्स्ट ये इसको प्रूफ करने के लिए हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और सेकंड के लिए हम ये सेकंड ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. लेकिन वो उससे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है पी टी एस, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ओके. तो इन ट्राइंगल पी टी एस हम पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सो कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेनस स्क्वायर विच इज पी एस. सो पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर,
करेक्ट। देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अभी हमारे जो क्वेश्चन में पीटी कहीं पे भी नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे पीटी है क्या, यहाँ पे पीटी है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पीटी को इन दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी। कैसे, ये पी एस एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगी, देन इसको लेफ्ट में लेके आके क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस टी एस स्क्वेयर। ओके, इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन टू। इसका यूज़ हमको अभी करना रहेगा, इसीलिए इसका और इसका यूज़ हमको करना रहेगा। सो पहले प्रूफ के लिए कौन सा हमको बड़ा वाला ट्राइंगल, पी टी आर, ये यूज़ करना है। सो इन ट्राइंगल पी टी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, करेक्ट, बाय यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। अब हमने जो यहाँ पे पी टी फाइंड किए थे, ओके, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है ये, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, करेक्ट। देन अभी ये हमारा टी आर है, ओके, टी आर को मैं एज इट इज लिखूंगी प्लस टी आर स्क्वायर। अब टी आर एक्चुअली में क्या है, ये हमारा टी आर, ये पूरा टी आर, ये एडिशन ऑफ टी एस प्लस एस आर, यानी कि मैं टी आर को क्या लिख सकती, टी एस प्लस एस आर। सो ये हमारा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस टी आर के जगह पे क्या लिख रही हूँ मैं, टी एस प्लस एस आर। सो टी एस प्लस एस आर इसका होल स्क्वायर। सो अब क्या करना है हमको, इससे ब्रैकेट हमारा ओपन करना है। सो टी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस टू टी एस इंटू एस आर, ओके। सो अब हमको क्या करना है, ये देखो ये दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। देन पी एस स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, देन एस आर स्क्वायर प्लस टू टी एस इंटू एस आर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे हम, हमारे प्रूफ में एस आर कहीं पे है क्या, नहीं है, बल्कि क्या है, क्यू आर। तो क्या हम एस आर को इन टर्म्स ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, यस। देखो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि क्यू एस एन एस आर, क्यू एस एन एस आर, ये हाफ है ये पूरे के, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। सो रिप्लेसिंग एस आर बाय हाफ ऑफ क्यू आर, सो क्या हो जाएगा ये, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर के जगह पे क्या आएगा, क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टू टी एस इन टू, वापस एस आर के जगह पे क्यू आर अपॉन टू, देन सिंप्लीफाई करेंगे। सो पी एस स्क्वायर एज इट इज़, अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब हम हमारा जो प्रूफ है उसके हिसाब से इसको लिखते हैं। सो ये जो क्यू आर अपॉन टू, ये क्या है यहाँ पे लास्ट में, इसलिए हम इसको लास्ट में लिखेंगे, और पहले क्या है, क्यू आर इंटू एस टी, सो क्यू आर इंटू एस टी, करेक्ट। देन क्या बच गया, प्लस क्यू आर अपॉन टू स्क्वायर। सो देखो ये प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड, अभी ये जो सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड वाले के लिए हमने क्या करने वाले थे, पी टी एस पी टी क्यू, ये वाला ट्रायंगल यूज करने वाले थे। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन पी टी एस, इन ट्रायंगल पी टी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, करेक्ट। अभी हमने यहाँ पे देखो क्या किए थे, हमने यहाँ पे पी टी को इन टर्म्स ऑफ पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर लिखे थे, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पी टी को किससे, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर से प्लस। अब ये जो क्यू टी है, क्या है ये जो क्यू टी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिगर में देखो क्यू टी क्या रहेगा, ये क्यू एस माइनस टी एस, क्यू टी की लेंथ क्या रहेंगी, क्यू एस माइनस टी एस, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे क्यू एस माइनस टी एस एन स्क्वायर, ओके। सो अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, सो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस, सो ये जो हमने ब्रैकेट क्यू एस माइनस टी एस लिखे, इसको एक्सपांड करने के बाद हमको ऐसा मिलेगा।
सो अब यहाँ पे देखो ts है, ts है, करेक्ट. सो ये ts की अपोजिट साइन इसलिए कैंसिल कर दिए. अभी देन ये पी एस स्क्वायर एज इट इज, ओके, देन क्यू एस स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस टू क्यू एस इंटू टी एस, ओके, ये हमने लिख लिया बचा हुआ. अब यहाँ पे देखो क्यू एस के जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, ये क्यू एस क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू आर हमने इनिशियल में देखे थे, ये क्यू एस क्या है, हाफ है क्यू आर के, तो हम इसके जगह पे यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस के जगह पे क्यू आर अपॉन टू एन ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्यू एस के जगह पे क्या लिखेंगे क्यू आर अपॉन टू. सो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा. अब मैं देखो इसको कैसे लिखूंगी, पहले पी एस स्क्वायर लिखूंगी बिकॉज इसमें क्या है, पहले पी एस स्क्वायर, ओके, देन क्या लिखेंगे माइनस क्यू आर इंटू एस टी, माइनस क्यू आर इंटू एस टी, फिर लास्ट में लिखूंगी मैं ये प्लस क्यू आर अपॉन टू द स्क्वायर एंड दिस इज पी क्यू. सो हेंस प्रूव्ड. नाउ मूविंग नाउ फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, एंड वी हैव गिवन, गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड प्लस वी हैव गिवन ए एम की लेंथ, ए एम की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर. सो वॉट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड बी सी. अभी देखो टू फाइंड बी सी, अगर हमको बी एम की लेंथ मिल जाती है सो हम बी सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एज एम इज मिड पॉइंट सो बी सी क्या रहेगा, इसका डबल रहेगा, करेक्ट. सो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड बी एम. कैसे फाइंड करेंगे, यस करेक्ट, अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे. क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम. क्या आएगा अपोलोनियस थ्योरम से, मीडियन के बाजू के दो साइड्स विच आर ए बी इसका स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज टू टाइम्स ऑफ मीडियन विच इज ए एम स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर, करेक्ट. अभी ये हमको गिवन है ए बी प्लस, ये कितना गिवन है हमको 290, सो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 290 इक्वल्स टू ए एम, ऑल्सो गिवन कितना ए एम 8, सो 8 स्क्वायर प्लस ये हमको फाइंड करना है. नाउ 290 इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे हम या तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिए, सो 8 स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस बी एम स्क्वायर एज इट इज. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस 2 टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड में आके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट. सो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 2, 4 ज़ा 8, करेक्ट. सो ये डिवाइड करने के बाद में हमको मिलेगा 145, ये एज इट इज. व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल टेक दिस 64 टू द लेफ्ट साइड, सो 145 माइनस 64 इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर. अब माइनस करो, माइनस करेंगे तो मिलेगा 81 और ये बी एम स्क्वायर एज इट इज. अब क्या करेंगे, हमको बी एम चाहिए तो दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, सो देयरफॉर बी एम क्या आ जाएगा 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, सो 9 सेंटीमीटर. अभी हमारे पास बी एम आ गया, सो हम अल्टीमेटली बी सी फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज बी सी, इज डबल ऑफ दिस, सो बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी एम. व्हाट इज बी एम 9, सो 9 टू ज़ा 18, सो बी सी क्या आया हमारा 18 सेंटीमीटर. कितना सिंपल था ये. अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, ये फिगर हमको गिवन है और बताया टी क्या है, यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट है रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का, और हमको ये प्रूफ करना है, ओके. हमको हिंट क्या गिवन है कि हमको ड्रॉ करना है ए बी पैरेलल टू, ये ए बी पैरेलल टू एस आर, ओके, ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिए एंड ए टी बी दे आर को लीनियर. सो ये प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो
क्वाड्रिलेटरली ए बी आर एस एंड पी क्यू बी ए, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. ओके, सो सी, सबसे पहले जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया. ओके, इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये क्या है, इज रेक्टेंगल. ओके, सो यहां पे देखो, यहां पे ये सब जो है क्या रहेंगे, 90 डिग्री के, करेक्ट. सो मैं यहां पे लिखती हूँ एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस आर इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन हम पहले यहाँ पे लिख लेते कि हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट. सो वी हैव ड्रॉन एस आर, ये क्या है, एस आर ए बी के यहाँ पे ऑलरेडी गिवन, इसलिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं लिखी हूँ. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे सेगमेंट पी क्यू, कौन सा सेगमेंट बोल रही हूँ मैं, पी क्यू, ये पैरेलल है किसके, पैरेलल है एस आर के. सेगमेंट एस आर के क्यू क्या है, वो अपोजिट साइड है रेक्टेंगल के, करेक्ट. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और हमारे जो क्वेश्चन में है क्या है, क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू एस आर एंड सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस आर, ये हमको गिवन है. सो फ्रॉम दिस एंड दिस, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सॉरी राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पैरेलल रहेंगी. देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट ए बी, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, ये हमने बता दिया. अब अगर मैंने ये ए पी एंड बी क्यू इसको भी पैरेलल बताई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, करेक्ट. सो सिमिलरली वी कैन प्रूव सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी, देयरफॉर ये पैरेलल आ गए, दोनों पैरेलल हो गए अपोजिट साइड्स, देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी क्यू पी इज पैरेललोग्राम, करेक्ट. अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए, देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू क्यू बी. वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन वन. अब जैसे हमने ये वाला इसको पैरेललोग्राम बताया, वैसे हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये इज, ये क्या है, पैरेललोग्राम. सिमिलरली वी कैन प्रूव रेक्टेंगल ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम, करेक्ट. सो इससे हमको फिर क्या मिलेगा, ये बताने से ए एस इक्वल्स टू बी आर, ए एस इक्वल्स टू बी आर, करेक्ट. इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन टू. देखो ये 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है, और ये क्या है यहाँ पे पी एस ट्रांसवर्सल है. सो इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री, करेक्ट. सो देयरफॉर ये जो हमारा ट्राइंगल रहेगा, ये क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते ठीक से, एज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी ऑन ट्रांसवर्सल पी एस एंड क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल बी ए एस, ये क्या बताया अभी हमने, 90 डिग्री है, करेक्ट. सो बी ए परपेंडिक्यूलर टू पी एस, तो हमारा ये क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल टी ए एस, ये हमारा टी ए एस, इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, तो क्या मिलेगा हमको, टी एस स्क्वायर प्लस दिस एडिशन का स्क्वायर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, करेक्ट, बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसको मैं नाम दे दूंगी थ्री. ओके, अभी सेम जो है हम चीज करेंगे
अगर सिमिलरली ये भी हमारा क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर. सो टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर. करेक्ट, इसको मैं नाम दे दूंगी 4. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को. सो ये हमारे पास आ गया. सो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे. सो ऑन एडिंग 1 एंड 2 टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड को भी ऐड कर देंगे, टी ए स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर. करेक्ट. अभी देखो, इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 5. अभी इन टी ए पी, ये टी ए पी भी सिमिलरली हम बता सकते हैं टी ए पी राइट एंगल है. करेक्ट, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा अपोजिट साइड. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद में हाइपोटेनस स्क्वायर टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. करेक्ट, इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 6. सिमिलर चीज हम यूज करेंगे टी बी आर में बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा, टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर इक्वेशन 7. अब वापस से हम इन दोनों को ऐड करेंगे. सो ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा ए पी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर. इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 8. ओके, अभी देखो ये जो इक्वेशन 8 है हमारी, इसमें हम अगर देखें 5 से कंपेयर करें. करेक्ट, यहाँ पे ए टी है लेकिन यहाँ पे ए एस है और यहाँ पे ए पी है. ये सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग है. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ए पी है, देखो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किए कि ए पी क्या है, इक्वल्स टू बी क्यू है, पैरेललोग्राम के साइड्स थे वो, इसीलिए. तो हम यहाँ पे ए पी के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, बी क्यू. सो बी क्यू स्क्वायर देन प्लस टी बी एज इट इज रखेंगे प्लस बी आर के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, सी. यहाँ पे हमने लिखे थे ए एस. सो ए एस स्क्वायर, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 9. ओके, और ये हमारा टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर लेफ्ट साइड एज इट इज. अब इक्वेशन 5 और 9 में देखो, सब चीज़ें राइट हैंड साइड की सेम है. टी ए है, टी ए है, ए एस है, ए एस है, टी बी है, टी बी है, बी क्यू है, बी क्यू है. सो एज राइट हैंड साइड्स ऑफ 5 एंड 9 आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेम. देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 9 क्या आएगा, 5 और 9 से टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर. करेक्ट, सो हेंस रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.